नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैन टाइम्स में। आज का जो एपिसोड है हमारा थी विद निकास, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसका कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप उन लोगों ने सपने देखा, उसका जो गाने हैं बहुत ही पॉपुलर हुए थे, उनका जो गाना है चकमा लैंग्वेज में है, तो आजाना लाजाना। आज हमारे साथ वो मौजूद है। सबसे पहले निक, स्वागत है आपको दैन टाइम्स में। थैंक यू सो मच। निक, ऐसा होता है कि मैंने देखा है कमेंट्स आपका, बहुत मैंने पढ़ा है आपके जो वीडियो है उसमें, मैंने देखा है कि जो दर्शक है, मतलब जो आपको देखते हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या था पहले, इससे फिल्म लाइन, मतलब जो गाने लाइन है उससे आने के पहले आपका क्या, आप क्या करते थे, तो सर बोल दीजिए हम लोग को। अच्छा, मैं इससे पहले हम बेंगलोर में था, मेरा स्टडी जो है हम बेंगलोर में ये उधर किया था, तो वहाँ पे ये बेंगलोर में स्टडी करने के बाद फिर हम लद्दाख में गए। तो लद्दाख में जाके हम वो जो है बहुत एक सुंदर एक जगह है, तो जहाँ पे जो फिल्मी मतलब हर कोई वहाँ जाना चाहता है, वो हर किसी का वो ड्रीम प्लेस है वो। तो वहाँ जाके मतलब मैं किसी किसी शूटिंग देख के फिर हम उससे थोड़ा इंस्पायर हो गया जी। कि हम सोचा कि अभी अरुणाचल में भी हम ऐसे करना चाहिए जी। क्योंकि हमारा अरुणाचल में जो है यहाँ पे हम लोग का जो चकमा जो कम्युनिटी है वहाँ से कोई भी नहीं है, तो मेरा आइडिया जो है वही आया। तो लद्दाख जाके हम थोड़ा एक्सपीरियंस लिया है, तो वहीं से एक्सपीरियंस लेके फिर हम यहाँ आया जी। फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा ये जो यहाँ का जो लोकल है जो उन लोगों को मिलके फिर थोड़ा ये सब ये किया। नहीं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने इसमें जो जो आपकी म्यूजिक वीडियो आया था उसमें त्रिपुरा से भी लोग थे, जैसे कि फेमस जो एक्ट्रेस है मंगली चकमा और डायरेक्टर आई थिंक दोनामुनि चकमा था उसमें, राइट? दोनामुनि डायरेक्टेड वही मंगली था, सॉरी सिनेमा जो सिनेमा किया उस दोनामुनि था। तो मेरा ये सवाल है कि आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपको ये जो गाना बनाया गया आप लोगों ने, ये अरुणाचल में ही क्यों, ऐसे मतलब कैसे आइडिया है आपके माइंड में? देखिए, अभी हमारा अरुणाचल में जो है ऐसे कि अभी तक ये अनएक्सप्लोर है, तो हम भी ये चाहता था कि ये गाना जो है अरुणाचल में ही शूटिंग हो, क्योंकि ताकि हमारा ये अरुणाचल भी थोड़ा ये हो, एक्सप्लोर हो जाए, आदमी लोग को पता चले। तो फिर मेरा आइडिया में वही आया था, मंगली ने एक्चुअली मेरा ये नहीं था कि हम उसके साथ हम शूटिंग करेगा, लेकिन उसने फिर हमको किसी से नंबर मांग के मुझे कांटेक्ट किया है उसने, फिर बोला कि ऐसे ऐसे ये करना है। हम तो पहली बार है, हम तो एकदम जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था मैं कल्चर में एकदम ज़ीरो था, तो थोड़ा तकलीफ हुआ था उनके साथ थोड़ा ये शूटिंग में ये करने के लिए, बहुत टाइम लगा था थोड़ा, फिर अभी तो थोड़ा फिर कम्फर्टेबल हो गया अभी थोड़ा। तो यानी कि आप कह रहे हो जो आपका एक्सपीरियंस था उनके साथ काफ़ी बेहतरीन था। हाँ जी, हाँ जी, ये तो मेरे लिए कुछ एक नया चीज़ है, ये बहुत हम उससे बहुत कुछ सीखा भी है, तो शूटिंग कैसा करना है, तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है फिर। निक, मेरा और बहुत सारे सवाल है आपसे, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद आपको हम मिले, आपको दिखते ही नहीं हो पब्लिक लाइफ में अभी, सारिंग आई थिंक अभी आप बिजी हो किसी शूटिंग के लेकर। निक, मेरा जो जो नेक्स्ट सवाल है, आपका जो फैन बेस है वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जैसे कि बांग्लादेश में भी है शायद, बर्मा में भी होगा शायद, ठीक है? तो आप जो इतना ह्यूज रिस्पॉन्स मिला आपको इस गाने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए और आपके दर्शकों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये जितना भी जो सपोर्टर है हम वो सब हर किसी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और हम लोग को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग इतना सपोर्ट करेगा फिर हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम लोग अभी जैसे प्यार दे रहा है वैसे हम लोग को और प्यार दीजिए, और हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे और आपको एंटरटेन करने का और कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके निक। निक, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, अभी मेरे माइंड में भी क्योंकि आपका गाना जो इतना हिट हुआ और हमें लगता है कि हमारा जो अभी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बढ़ गया आपसे, ठीक है? तो सिमिलरली जो दर्शक है हमारे या जो आपके दर्शक है उनके माइंड में भी होगा कि निक कब ला रहे नया, ठीक है? ऐसा कुछ प्लानिंग है आप लोग का फ्यूचर में लाने के लिए नया? हाँ जी, प्लानिंग तो है, लेकिन हाँ, मुझे मेरा जो फैन लोग हैं उन लोग बहुत लोग पूछते हैं कि हाँ, मतलब ये पर्सनली मैसेज करता है कि
कि मतलब आप गाना फिर कब ला रहे हो, थोड़ा जल्दी लाइए, हम लोग आपके लिए बहुत वेटिंग कर रहे हैं बोल के। फिर हम अभी जो हाँ गाना बना रहे हैं, हम एक जो है रेडी हो गया, तो शूटिंग के लिए शायद एक दो महीना लग सकता है, क्योंकि मैं अभी जो तौर आजाना लजाना जो गाना बनाया है और मैं उससे भी और बेहतर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ अभी, तो इसके लिए हम गाना बहुत आप लोगों को पसंद आने के लिए, तो हम इस तरह का मतलब अच्छा वाला बहुत सुंदर वाला ऐसे ढूंढ रहा हूँ जो आपको एंटरटेनमेंट हो। और तो इसके लिए अभी हम एक गाना रेडी हो गया और तीन चार गाना है, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है मेरा, तो अभी थोड़ा एक दो महीने ऐसे लग सकता है शूटिंग के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जो भी आपके गाना आ रहे हैं हमें पूरी होपफुल है हम लोग कि आपका जो गाना आएगा वो बहुत ही फेमस होगा, और जो गाना आपने पिछली बार रिलीज़ किया उससे भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी में, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और म्यूजिक में भी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ हमको ऐसे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको और ये आपको मेरा और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा चैनल का नाम है एनर क्रिएशन, तो एनर क्रिएशन का नाम से आप सब्सक्राइब करने से आपको पूरा वीडियो ही मिल जाएगा। और प्लीज़ मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ये दैन टाइम्स को, उसने जो है हमको ऐसे मौका दिया है ऐसे बात करने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग दैन टाइम्स को भी ये सपोर्ट कीजिएगा, उनको फॉलो कीजिएगा, तो अगर आप उनको फॉलो करेगा फिर आपको उनका हर चीज़ जो एक्टिविटी चल रहा है हमारा अरुणाचल में आपको हर चीज़ ये देखने को मिलेगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी हमारा जो चकमा वीडियोज़ आता है प्लीज़ प्लीज़ आप री अपलोड ना कीजिएगा, तो वो क्योंकि री अपलोड करने से हम लोग का व्यूज़ भी कम हो जाता है, तो आप लोग हम लोग का चैनल में ये करके उसको शेयर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमारा चकमा में जो है एक ऐसे है कि मतलब हर कोई री अपलोड या डाउनलोड करके फिर री अपलोड कर देता है, तो उसमें से जो है हम लोग का बहुत नुकसान होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम किसी किसी लड़का को भी अच्छा से समझाया, जो जो चैनल था तो उन लोग ने री अपलोड किया था, तो हमसे बहुत थोड़ा ये बहस लग गया था, तो हम आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चकमा वीडियो जितना भी आता है, सिर्फ मेरा बोल के नहीं, जितना भी आता है या हर किसी का वीडियो भी आता है सिर्फ चकमा बोल के नहीं, री अपलोड मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो है व्यूज़ भी कम होता है। अगर आपको हमको सपोर्ट करना है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा हम लोग का पेज में जाके, तो यही रिक्वेस्ट था। थैंक यू सो मच। ये था निक हमारे साथ आज, इनका ये कहना है कि फ्यूचर में इनका बहुत सारे और म्यूज़िक वीडियो आने वाले हैं, तो आप इनको सपोर्ट कीजिए। इनका जो यूट्यूब का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही हमारे दैन टाइम्स को भी आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। दैन टाइम्स को देखने के लिए थैंक यू।